और आइए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं अभी तक के ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आया है। टीवी 9 भारतवर्ष के इस ओपिनियन पोल में सबसे पहले उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, और यहां पर आप देखिए हमारे ओपिनियन पोल में ये निकल कर आया है कि 70 सीटें केवल अकेले बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को, 6 समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को कोई सीट नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आरएलडी को मिल सकती है और एडीएल को, यहां अपना दल को 1 सीट मिल सकती है। वोट परसेंटेज भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए वोट परसेंटेज जो अभी तक कहता है वो ये है कि बीजेपी प्लस को लगभग 53% वोट मिलते दिख रहे हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी को 27.23%, बीएसपी को 8.5%, अदर्स को यहां पर 1%, समाजवादी पार्टी कांग्रेस दोनों को मिला के 27.23% है, यानी इंडिया और पता नहीं करीब 10 से 10.5%। देखिए चलिए तो और एक दूसरा महत्वपूर्ण स्टेट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये यूपी की 80 सीटें, एक एक सीट आप देखिए, मुझे लगता है आपको ऐसा ओपिनियन पोल कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहां सीधे बता सकते हैं सहारनपुर में बीजेपी, बागपत में आरएलडी, मैनपुरी में एसपी, हरदोई में बीजेपी, इटावा में बीजेपी, हर सीट का आपको विश्लेषण यहां पर नजर आ रहा है। बिजनौर में आरएलडी है, इसके अलावा 73 सीटें तो ये ओपिनियन पोल बता रहा है, लेकिन घोसी में समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा जब आप जाते हैं रायबरेली में कांग्रेस है, लेकिन इस पूरे चार्ट को आप देख लीजिए, इस नहीं, पूरे लेकिन रायबरेली में कांग्रेस है, अमेठी में बीजेपी दोबारा इतिहास दोहराएगी, ऐसा यहां पर हमारा ओपिनियन पोल कहता है। और ये अमेठी रायबरेली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आया है कांग्रेस की तरफ से कि कौन लड़ेगा, राहुल गांधी अमेठी दोबारा आएंगे, रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य होगा, अभी कभी अभी इस बारे में कुछ नहीं सामने आया है। राहुल कैराना देख लेते हैं, बहुत ही चर्चित सीट रही है बीजेपी के पास बताया जा रहा है, मुजफ्फरनगर जाट लैंड है बीजेपी के पास में, पिछली बार अगर हम इलेक्शंस में देखेंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल बदायूं की सीट इंपॉर्टेंट सीट है बीजेपी के पास, ये भी जा रही है, लखनऊ बीजेपी का गढ़ है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, बरेली की सीट भी बीजेपी के पास है, लेकिन राय बरेली की सीट जिसको लेकर के बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रही है और कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बिल्कुल सोनिया गांधी जा चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस के पास। एक और सीट यहां पर कैसरगंज, अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर अनाउंसमेंट नहीं किया, ब्रजभूषण शरण सिंह यहां से सांसद है, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनको टिकट नहीं मिलेगा तो भी अगर बीजेपी जीतती है तो यहां पर यह देखना होगा। एक सीट यहां पर इस पर सबकी नजर है, खीरी किसान आंदोलन की वजह से बहुत चर्चा में रही, यहां पर भी बीजेपी अगर जीत रही ओपिनियन पोल में तो इसका मतलब अभी यहां पर बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन का कोई माहौल नहीं दिखता है। इसके बाद बिहार आ जाते हैं, चलिए अभी हम और बात करेंगे, एक एक सीट, अगर आप यूपी से हैं और इसमें अगर हम आपकी सीट की चर्चा नहीं कर पाए तो आप फोन उठाइए हमसे, पूछिए कि आप अपनी सीट पर क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन जल्दी से बिहार देख लीजिए, 40 में से 17 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, जेडीयू को 15, यानी 17, 15, 32 यहां पर जा रही है, एलजेपी 5, 37 सीटें हो गई, एक हम 38 सीटें हो गई, तो 38 बीजेपी प्लस और कांग्रेस यानी इंडिया को 2 सीटें।